Hey guys, welcome to प्रतियोगिता संसार। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गिरिराज साप्ताहिक में प्रकाशित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों और उसमें प्रकाशित कुछ करंट अफेयर के बारे में। गिरिराज साप्ताहिक में जितना भी करंट अफेयर और प्रश्न प्रकाशित हुए हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और उससे पहले, अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए शुरू करते हैं। गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान मिला है? तो जो गणतंत्र दिवस हुआ हमारा 26 जनवरी मनाया गया 2021 को, तो उस परेड में जो है किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? तो वो मिला उत्तर प्रदेश की झांकी को। उत्तर प्रदेश की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला। और ये झांकी क्या थी, इसमें अयोध्या और उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत, इसके ऊपर जो है ये बनाया गया था, अयोध्या उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत पर। और इसमें दिखाया गया था राम मंदिर व रामायण की विभिन्न जो है कहानियों का प्रदर्शन किया गया था इस झांकी में। और दूसरे नंबर पर जो रहे वो त्रिपुरा की झांकी रही, और तीसरे नंबर पर रही उत्तराखंड की झांकी, देवताओं की भूमि देवभूमि, ये तीसरे नंबर पर रही उत्तर प्रदेश की झांकी। नेक्स्ट, पर्यावरण मंत्रालय ने हाल ही में किस प्रजाति के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की है? तो किस प्रजाति के, ये समुद्री कछुआ जो है प्रजाति, इसके संरक्षण के लिए जो है राष्ट्रीय कार्य योजना जारी की गई है पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट, भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट के संस्थापक कौन थे? तो जो भारत का प्रथम समाचार पत्र था, वीकली था, इंग्लिश में पब्लिश होता था, 1780 से इसका प्रकाशन शुरू हुआ और कहाँ, कोलकाता से हुआ था। तो इसके प्रकाशक या इसके संस्थापक कौन थे, तो वो थे जेम्स अगस्टक हिक्की, जेम्स हिक्की के नाम से भी, और जेम्स अगस्टक हिक्की जो इनका पूरा नाम था, ये इसके संस्थापक थे। नेक्स्ट, ये भारत का पहला अखबार था। यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन किस संस्था द्वारा विकसित की गई है? तो यूनियन बजट मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो विकसित की गई है राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। किसके द्वारा? नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर के द्वारा। और किसके गाइडलाइंस में ये की गई थी? डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर की गाइडेंस में डेवलप की गई थी। किसके द्वारा? राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा। नेक्स्ट, अच्छा इसमें इंपॉर्टेंट नोट ये भी है कि हाल ही में वित्त मंत्री ने यूनियन बजट मोबाइल ऐप लॉन्च की है, ये वित्त मंत्री ने जो है लॉन्च की, और इसके बाद से जो है पेपरलेस हो जाएगा यूनियन बजट जो है वो पेपरलेस हो जाएगा। अब सब कोई भी अपने मोबाइल पे जो यूनियन बजट देख सकता है। नेक्स्ट, परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किस वर्ष मंजूरी दी? तो किस वर्ष मंजूरी दी, ये से मंजूरी दी 2017 में, और इसमें 86 देशों ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन अमेरिका, रशिया और जो भारत है इन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसे 2017 में अपनाया गया था और जनवरी 2021 से जो है ये लागू हुई है। परमाणु हथियार निषेध संधि जो है 2021 जनवरी 2021 से लागू हुई है, और अभी भी इसमें जो है अमेरिका, रशिया और इंडिया ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। नेक्स्ट, अमेरिका का मूल निवासी किसे माना जाता था? तो अमेरिका का मूल निवासी माना जाता था रेड इंडियंस को, क्योंकि जब 1492 में कोलंबस गया तो वहाँ पर जो उसने लोग देखे उन्हें उसने रेड इंडियन कहा, और ये यहाँ के मूल निवासी माने जाते थे। नेक्स्ट, बायोफ्लेक्स किसकी आधुनिक तकनीक है? तो बायोफ्लेक्स किसकी आधुनिक तकनीक है, यह है मत्स्य पालन की, मत्स्य पालन की आधुनिक तकनीक है बायोफ्लेक्स, और इसे पीएम मत्स्य संपदा योजना के तहत लॉन्च किया गया है। इसका क्या है, स्कीम में क्या है कि कम जगह कम पानी में अधिक उत्पादन, कम जगह में कम पानी में भी अधिक मत्स्य उत्पादन किया जाए, और इसमें मछली का जो चारा है उसकी भी बचत की जाती है, क्योंकि मछलियों के अवशिष्ट को ही पानी में दोबारा से जो है वो प्रोटीन में दोबारा से बदल दिया जाता है। तो ये बायोफ्लेक्स जो तकनीक है ये बड़ी आधुनिक तकनीक, और ये इससे मतलब एक बूस्टअप मिलेगा जो मत्स्य पालन को। नेक्स्ट, रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है? तो रेड क्लिफ जो रेखा है वो है भारत और पाकिस्तान के बीच में है। उसी प्रकार डूरंड रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है। मैकमोहन रेखा इंडिया और चाइना के बीच में है। तो कुछ भारत की महत्वपूर्ण जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं, मैकमोहन जो है हमारी वो होगी चाइना के साथ,
डूरंड होगी अफगानिस्तान के साथ और रेड क्लिफ होगी पाकिस्तान के साथ। नेक्स्ट, भारत में जूट उद्योग का पहला कारखाना कोलकाता के समीप रिश्रा नामक स्थान पर कब लगाया गया था? तो ये लगाया गया था 1855 में, कोलकाता के रिश्रा नामक स्थान पर लगाया गया था। और जूट में जो भारत है वो सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व का, इसके बाद बांग्लादेश का नंबर आता है। पहले जब आज़ादी से पहले तो भारत का एकाधिकार ही था, क्योंकि जब विभाजन नहीं हुआ था तो बांग्लादेश और भारत तो एक ही था, लेकिन अभी भी जो है भारत 60% जूट का उत्पादन करता है विश्व के। और भारत का जो पश्चिम बंगाल है वो सबसे बड़ा उत्पादक है जूट का, और भारत के जूट को जो है सोने का रेशा कहा जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि भारत के जूट को क्या कहा जाता है, तो भारत के जूट को कहा जाता है सोने का रेशा। नेक्स्ट, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का सबसे निकट का ग्रह कौन सा है, वो है शुक्र। और जो है शुक्र है ये सौरमंडल का दूसरा ग्रह है, और इसे सुबह व शाम का तारा भी कहा जाता है। पृथ्वी की जुड़वा बहन भी बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका आकार जो है वो पृथ्वी के आकार की तरह है। और परंतु इसका कोई उपग्रह नहीं है, इसका कोई भी उपग्रह नहीं है हम जो शुक्र का। नेक्स्ट, 25 जनवरी 2021 को हिमाचल प्रदेश ने अपने पूर्ण राज्यत्व के कितने वर्ष पूर्ण किए? तो कितने वर्ष पूरे किए हमने अभी 25 जनवरी को, अपने जब से हमने पूर्ण राज्यत्व प्राप्त हुआ है तो हमने किए अपने 50 वर्ष पूरे किए, क्योंकि 25 जनवरी 1971 को हिमाचल ने जो है पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त किया था। उससे पहले हिमाचल एक केंद्र शासित प्रदेश रहा, पहले सी पार्ट स्टेट भी रहा, तो इसे 50 वर्ष हुए अपने पूर्ण राज्य प्राप्त किए हुए। नेक्स्ट, रामपुर बुशहर में लोगों ने 1859 में किसके विरोध में विद्रोह किया था? तो किसके विरोध में विद्रोह किया था, बेगार प्रथा के विरोध में विद्रोह किया था। कब? 1859 में रामपुर बुशहर में। नेक्स्ट, जुग्गा या झुग्गा आंदोलन कहाँ हुआ था? इसको जग्गा, झुग्गा और जुग्गा आंदोलन बोलते हैं, ये कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था बिलासपुर में हुआ था। ये कब हुआ था? 1883 में हुआ था बिलासपुर में, और उस समय वहाँ के राजा थे राजा अमरचंद, जो रहे थे 1883 से 1888 तक रहे थे। तो उनके शासनकाल के दौरान हुआ था झुग्गा आंदोलन। ये क्या हुआ था कि वहाँ पे लोगों पे अत्यधिक कर लगा दिए गए थे, जिससे परेशान होकर लोगों ने विरोध स्वरूप क्या किया कि झुग्गी झोंपड़ियाँ बना ली और उनमें रहना शुरू कर दिया, भूखे प्यासे उनमें रहने लग गए वो। लेकिन राजा की तरफ से जब प्रेशर आया तो राजा ने जैसे उनको गिरफ्तार करने के लिए भेजा जो लोग वहाँ रहते थे, तो उन्होंने क्या किया, झोंपड़ियों में अपनी झुग्गियों में आग लगा दी और खुद भी उसमें जलकर जो है उसमें खुद भी जल गए। तो आगे चलकर जो है राजा को सब उनकी मांगें माननी पड़ी और जो है ये आंदोलन समाप्त हुआ। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो हिमाचल प्रदेश के प्रथम राज्यपाल थे एस चक्रवर्ती। ये 25 जनवरी 1971 को हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बने थे। इससे पहले जो हिमाचल प्रदेश जो था वो उपराज्यपाल हिमाचल प्रदेश में होता था। नेक्स्ट, हिमाचल प्रदेश में IIT कहाँ स्थित है? तो हिमाचल प्रदेश में IIT स्थित है मंडी में, और ये 2009 में स्थापित की गई थी IIT मंडी। नेक्स्ट, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो कौन सा बना है ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला, वो बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश एक पहला ऐसा राज्य है जिसने बिना कागज के जो है कैबिनेट अपनी चलाई, वो ई कैबिनेट एप्लीकेशन मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा, ई कैबिनेट मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा, और ये उपलब्धि अपने नाम करने वाला ये देश का पहला राज्य बना। और इसने क्या किया, कागज रहित कैबिनेट की कार्रवाई को क्या कर दिया है, कागज रहित कर दिया है, तो ये बड़ी उपलब्धि है। विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग टनल कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग टनल है अटल टनल, जो कि हमारे हिमाचल में है, तो यह विश्व की सबसे लंबी राजमार्ग टनल है। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्वर्णिम वाटिका योजना की शुरुआत कहाँ से की? तो स्वर्णिम वाटिका योजना की शुरुआत की करेरू शिमला से। तो इसमें क्या है कि 50 वर्ष पूरे करने के उपलक्ष्य में हर विधानसभा क्षेत्र में स्वर्णिम वाटिका जो है वो स्थापित की जाएगी। 68 कम से कम वाटिकाएं स्थापित करने का उद्देश्य है, ताकि इसमें बुजुर्ग लोग घूम सकें, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दे सकें लोग जो है इन वाटिकाओं में। इसमें चेरी ब्लॉसम के पौधे लगाए जाएंगे, उन्होंने वहाँ पर जो है करेरू शिमला में चेरी ब्लॉसम का जो है पौधा लगाकर इस योजना की शुरुआत की। यह फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंडर आएगी ये योजना, और वही इसको जो है अंतिम रूप देगा।
तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। मेरी वीडियो को प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि और भी इस तरह की बहुत सारी वीडियो मैं आपके लिए लगातार यहाँ पर लेकर आता रहूँगा। थैंक यू।